हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एरर के बारे में जो कि योनो एसबीआई के अंदर बहुत से लोगों को आ रही है, योनो ऐप के अंदर आ रही है। प्लीज़ क्लोज द एग्जिटिंग सेशन एंड लॉगिंग अफ्रेश। तो इसको आप ठीक कैसे करने वाले हैं वही इस वीडियो में हम समझेंगे। तो मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अभी देखिए, यहाँ पे इस तरीके का एक इंटरफेस है, यहाँ पे इस तरीके का हमें एरर बता रहा है, प्लीज़ क्लोज द एग्जिटिंग सेशन एंड लॉगिंग अफ्रेश। मतलब क्या होता है और कैसे ठीक करना है। सबसे पहले मैं इसको बंद कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आपने दो फ़ोन में अगर आपका एक ही योनो एसबीआई का खोल रखा है, योनो एसबीआई लॉगिन कर रखा है एक ही अकाउंट, तो उस केस में आपको लॉग आउट करना है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि आप देखिए, क्रोम में भी योनो एसबीआई का नेट बैंकिंग खोल रखते हैं और एप्लीकेशन में भी योनो एसबीआई का यूज़ करते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। अगर क्रोम में आपने खोल रखा है, सबसे पहले क्रोम में जाइए और उसको वहाँ से लॉग आउट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही योनो एसबीआई का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इसको लॉग इन कर दीजिए। और अगर आपने एप्लीकेशन में खोल रखा है और अगर आप क्रोम में खोल रहे हैं तो एप्लीकेशन से लॉग आउट कर दीजिए। अगर आपको लॉग आउट करना नहीं आता है और अगर आपने दूसरे फ़ोन में भी इसको लॉगिन कर रखा है, तो आपको क्या करना है, जिस भी फ़ोन से आपको इसको रिमूव करना है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखिए, यहाँ से इसके ऐप इन्फो में जाइए और इसका यहाँ से क्लियर डेटा कर दीजिएगा, ठीक है। इसका मैंने यहाँ से क्लियर डेटा कर दिया है। अब यहाँ से हमें वापस से हमें जहाँ पर भी लॉगिन करना है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यही है कि आप अगर अपना योनो एसबीआई का एक अकाउंट दो मोबाइल में दो जगह पर लॉगिन करते हैं, चाहे कंप्यूटर पीसी या फिर एक ही फ़ोन में, लेकिन दो अलग अलग जगह योनो एसबीआई एप्लीकेशन और ब्राउज़र में भी, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।